स्पेसिंग आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेफिनेट इंटीग्रल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक। देखिए मैं यहाँ पर दो ट्रिक आपको बता रहा हूँ जिसकी सहायता से आप किसी भी क्वेश्चंस का इस टाइप के आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। तो पहला जो ट्रिक है वो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, दूसरी ट्रिक जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पहचान लीजिए, अगर लोअर अपर लिमिट कुछ भी हो, बस इसकी जो पहचान है वो ये है कि जो फंक्शन ऊपर दिया है वही नीचे यहाँ होना चाहिए, और ये जो फंक्शन है वो इस वाले लोअर और अपर लिमिट को एक्स में से माइनस करके आना चाहिए, अर्थात इस तरह से आना चाहिए। मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ, जैसे देखिए कोस है, तो आपको करना क्या है, इस एक्स के स्थान पर लोअर और अपर लिमिट को जोड़ना है पहले ऐसे करके, और फिर इसमें से एक्स को माइनस करना और सोल्व होकर अगर ये आ जाता है तो सोल्व करेंगे हम। देखिए कोस 90 माइनस थीटा साइन एक्स, अगर ये आ जाता तो आप ये वाली ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ऊपर भी दिया है और नीचे भी दे रखा है, और हम जो है एक्स में से इन दोनों को जोड़कर घटाएं तो ये आ रहा है, ठीक है। लोअर और अपर लिमिट को जोड़ के एक्स को माइनस करें तो ये वाला आ रहा है, तो इन दोनों के आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसकी ट्रिक ये है, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टू। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, अपर लिमिट कितनी है पाई अपॉन टू, माइनस लोअर लिमिट कितनी जीरो, अपॉन में क्या लिखना टू लिखना। देखिए ये आ गया इसका आंसर, इस तरह से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। वैसे इससे क्या होगा, अपर लिमिट थ्री, लोअर लिमिट टू, अपॉन में क्या लिखना है टू, तो इसका आंसर हो गया वन अपॉन टू। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसकी पहचान है लिमिट होनी चाहिए लोअर जीरो और अपर लिमिट होनी चाहिए पाई बाई टू, और यहाँ पर इस तरह से हो, देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप का हो, ऊपर वन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या है, इसका वर्गमूल, और बी जो है वो कोस स्क्वायर एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका वर्गमूल है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है पाई अपॉन टू ए बी, यानी देखो यहाँ पर आंसर लिखेंगे पाई अपॉन टू ए, ए जो कहलाएगा इसका वर्गमूल कहलाएगा, और बी क्या कहलाएगा इसका वर्गमूल यानी कि चार। तो आंसर कितना आ गया इसका, पाई अपॉन दो तिया छः चौक चौबीस, यानी ये आंसर इसका आ गया। देखिए ऐसे इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, क्या आएगा पाई अपॉन टू ए बी, ए के स्थान पर इसका वर्गमूल यानी रूट फाइव, और बी के स्थान पर इसका वर्गमूल यानी रूट सेवन, तो इसका आंसर आ गया पाई अपॉन पाँच सत्ते पैंतीस, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता तो आप इसका डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, और प्रतियोगिता में आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए अब हम आगे समझते हैं प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जरा इनको हम डिटेल से समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसके लिए प्रॉपर्टी का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब आपको प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रॉपर्टी, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि लोअर लिमिट नंबर एक प्रॉपर्टी, लोअर लिमिट ए टू बी और कोई फंक्शन अगर एक्स में है ऐसे तो हम उसे टी में ले सकते हैं, यानी ए टू बी एफ टी डी टी, तो फंक्शन की वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, जरा इसको समझेंगे। अगर हमें जो है लोअर लिमिट ऐसे दे रखी है ए और अपर लिमिट है बी और फंक्शन है एक्स, और हम इनको इंटरचेंज करें तो क्या होगा, माइनस चिन्ह का अंतर आ जाएगा, यानी बी से ए, यानी नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे करें तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह का अंतर आ जाएगा। प्रॉपर्टी तीन है, हम जो है किसी भी लिमिट को जो है ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिमिट है हमारी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको ले सकते हैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ ये ज़रूरी है कि जो बी वाला नंबर है, जो एक जैसा नंबर है, वो इन ए और बी के बीच में होना चाहिए, अर्थात इस तरह से होना चाहिए कि जो सी है वो ए से तो बड़ा हो लेकिन बी से छोटा हो, ये ज़रूरी है यहाँ पे। अब प्रॉपर्टी चार है, उसको समझेंगे जरा। प्रॉपर्टी चार क्या, ये भी लेकिन बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी चार है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज होती है ये, ए प्लस बी
अगर हमारे पास एफ एक्स हो डी एक्स हो तो प्रॉपर्टी फॉर ये है कि लोअर और अपर लिमिट को जोड़ देंगे और उसमें से एक्स को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, लोअर और अपर लिमिट को जोड़ना और उसमें से एक्स को माइनस करना। ये प्रॉपर्टी लगभग आपको जो है 90% क्वेश्चन में यूज होगी। तो अब देखिए प्रॉपर्टी फाइव समझते हैं। प्रॉपर्टी फाइव, तो प्रॉपर्टी फाइव क्या, जरा इसको समझेंगे। प्रॉपर्टी फाइव ये है, देखिए माइनस ए से प्लस ए हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसके स्थान पे हम डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, टू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी फाइव है। या तो जीरो लिखेंगे या टू लिखेंगे। जीरो कब लिखेंगे, जब एफ एक्स जो होगा कैसा होगा, ओड होगा। एफ एक्स क्या होगा, ओड। और ये तब लिखेंगे जब एफ एक्स जो होगा इवन होगा। ठीक है, अगर इवन है तो ये लिखेंगे और ओड है तो डायरेक्ट जीरो लिख देंगे। प्रॉपर्टी छः आपको मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी छः समझिए ज़रा। प्रॉपर्टी छः मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए प्रॉपर्टी छः। प्रॉपर्टी छः ये है कि जीरो से टू ए हो और एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम इसको लिख सकते हैं जीरो और टू, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए ये जो टू है ये हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर अपर लिमिट में से एक्स माइनस करके वही आना चाहिए। शर्त क्या है, देखिए ये वाली नंबर एक, ऊपर वाले तो तब लगाएंगे जब क्या होंगे, हम एक्स में से इसको माइनस करें, क्या माइनस करें, टू ए में से अपर जो लिमिट है उसमें से हम इसमें से एक्स को माइनस करें और सोल्व होकर जो आना चाहिए वो आपका एफ एक्स आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा तो आप ये वाली यूज करेंगे, और अगर इसमें माइनस का अंतर आ रहा, यानी यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जा रहा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जीरो लगा देंगे। तो ये छह प्रॉपर्टियाँ, इन प्रॉपर्टी का यूज करके अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं हम स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो दो बार 2012 और 16 में आया हुआ है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, तो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आप यहाँ से कर लीजिए, तो समझ लीजिए आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ये मोड में दे रखा क्वेश्चन, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, तो जो मोड के अंदर है इसके हम जो है गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसके गुणनखंड। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और अब मैंने क्या करा, इसको दो वर्गों के अंतर का सूत्र लगा दिया, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ गई वो एक जीरो आ गई और एक आ गई वन और एक आ गई माइनस वन। तो इसे हम पहले नंबर लाइन पर लिख लेते हैं, तो नंबर लाइन क्या होती है ज़रा समझेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले जीरो, माइनस वाला लिखेंगे जीरो से इधर, यानी कि यहाँ लिखेंगे माइनस वन, और प्लस वाला लिखेंगे जीरो से आगे। अब यहाँ पे नंबर लाइन बना दी हमने, अब यहाँ पर हम जो है इसको ऐसे ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव लिया जाता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑलवेज यहाँ जो नंबर लाइन करते हैं तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके अनुसार इस लिमिट को तोड़ते हैं, तो पहले तोड़ेंगे हम माइनस वन से, देखिए माइनस वन से जीरो। अब इसमें जो प्रॉपर्टी वाली यूज हो रही है जो मैंने अभी आपको बताई थी, लिमिट को ब्रेक करना, तो पहले लिखूँगा मैं माइनस वन से जीरो। तो जब मैं माइनस वन से जीरो लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, तो मैं मोड हटा के यहाँ पर केवल क्या प्लस चिन्ह लगा दूंगा, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। बात समझ में आई, अब देखिए आगे समझिए ज़रा। दूसरा क्या है, जीरो से वन तोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम होनी ज़रूरी हैं। तो जीरो से वन करेंगे तो चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पर मैं माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। मोड हटा दिया मैंने और माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए आगे, आगे क्या करेंगे हम, वन से कहाँ तक है, टू तक है, तो वन से आए कि जो भी चीज लेना है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं प्लस का चिन्ह ही रहने दूंगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स। बस इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की घात चार अपॉन चार और इसका एक्स स्क्वायर अपॉन टू। लिमिट लगा देते हैं जीरो माइनस वन, ऐसे इसमें लिमिट लगाएंगे। देखिए माइनस का है तो चलिए माइनस को मैं अभी ऐसे लिख लेता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट लगा देते हैं वन से जीरो। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, अगली वाली स्टेप क्या है इसका भी इंटीग्रेशन, एक्स की घात चार अपॉन चार माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो इंटीग्रेशन तो सब में एक जैसा ही है, लिमिट बस अलग अलग है। अब लिमिट लगा देते हैं, पहले अपर लिमिट लगाते हैं माइनस करके फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपर लिमिट है जीरो, तो जीरो की वजह से पहला भी जीरो हो जाएगा दूसरा भी जीरो होगा। माइनस रखकर लोअर लिमिट लगाई जाएगी, तो माइनस वन है चूँकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे वन लगाएंगे तो यहाँ वन अपॉन टू हो जाएगा। अब ऐसे ही देखिए सेकंड वाले, अब देखिए प्लस माइनस में यहाँ माइनस कर देता हूँ, यहाँ फिर अपर लिमिट लगाएंगे तो वन है, वन की पावर फोर जो बनी रहेगा, और यहाँ वन अपॉन टू, और माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे एक्स के स्थान, जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे देखिए यहाँ पे फिर काम करते हैं, एक्स के स्थान पर टू रखेंगे तो दो की घात चार हो जाएगी, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, यानी सोलह बटा चार, और दो का वर्ग दो दुनी चार बटा दो। अब लोअर लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट जो लगाएंगे यहाँ पर देखिए वन, तो वन की घात फोर वन यही रहेगा तो फोर आ गया, और यहाँ पर यहाँ पे आ गया देखिए वन अपॉन टू। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया जीरो, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा चार, इसका एलसीएम आ गया दो इपन माइनस टू, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा वन अपॉन फोर माइनस माइनस टू, एलसीएम ले लिया फोर। अब आगे देखिए यहाँ पे ये तो जीरो हो गया, अब इस वाले स्टेप में आते हैं, यहाँ पर भी हमने क्या करा चार एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा सोलह माइनस दो दूनी चार दो चौक आठ, यहाँ भी देखिए हमने चार एलसीएम ले लिया, ये हो गया वन माइनस दो दूनी चार। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए आंसर हमारा आने वाला है कितना बचा, ये माइनस का हाफ बचा, माइनस पहले से लगा हुआ, प्लस का हाफ, प्लस का माइनस का वन बचा, और माइनस पहले से ये प्लस का हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए माइनस का वन बचेगा, इस माइनस की वजह से ही प्लस का हो जाएगा, यानी एक बटा चार। अब यहाँ आते हैं सोलह में से आठ के बचे आठ बटा चार, अब यहाँ पे देखिए माइनस का वन बचेगा लेकिन इस माइनस की वजह से ही प्लस का हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा, आप देखिए सबके जो अंश हैं हर तो सेम है, तो अंश को जोड़ देते हैं, आठ एक नौ एक दस एक ग्यारह, कितना हो गया ग्यारह अपॉन में कितना आ गया चार, तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर ग्यारह बटे चार। तो इसका आंसर हम ये लेते बिल्कुल सही, इसका आंसर आया है ग्यारह बटे चार। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखिए दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 10 11 14 16 और 17 कई बार आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे देखिए ज़रा समझिए इसको, तो इसे करने के लिए मैं पहले इसको आई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ आई। तो देखिए जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन है उन्हें स्टार्टिंग में डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में आपको आई मान लेना और उसके बाद स्टार्ट करना, और जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि 90% यूज होगी तो उस प्रॉपर्टी को आप विशेष ध्यान रखेंगे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में वही प्रॉपर्टी यूज होगी, इसको मैंने डाल दिया समीकरण एक। ठीक है, अब इसमें जो 90% वाली प्रॉपर्टी वो मैं लगा देता हूँ, यूजिंग चाहो तो आप ले सकते हो इसको, यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या है, दोनों लिमिट ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ना और उसमें से एक्स को माइनस करना, ये प्रॉपर्टी थी। तो देखिए मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देता हूँ, तो इसके हिसाब से जीरो टू पाई, अब ये हो जाएगा यहाँ पर जीरो टू पाई, जब हम यहाँ पर करेंगे तो अब इनको दोनों को जोड़ना और उसमें से फिर हमें माइनस करना, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स, क्योंकि जीरो में पाई जोड़ेंगे तो पाई रहेगा, प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। अब देखिए डी एक्स को नहीं छूना, इसको ऐसे रखेंगे, तो आप ज़रा यहाँ ध्यान देंगे, तो यहाँ पे अब मैंने इसे सॉल्व किया जीरो टू पाई, पाई माइनस एक्स ऐसे रहेगा
टेन एक्स सी माइनस थीटा होता माइनस के टेन थीटा, तो माइनस चिन्ह मैंने यहाँ पर लिख लिया। ऐसे यहाँ पर देखिए सेक एक्स सी माइनस थीटा होता माइनस के सेक थीटा, तो सेक मैंने लिख लिया। और कोस एक्स सी माइनस थीटा होता माइनस के कोस थीटा, तो मैंने कोस लिख लिया। अब माइनस ऊपर से कॉमन आएगा, माइनस नीचे से कॉमन आएगा, तो क्या होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स, और हो गया ऊपर टेन एक्स अपॉन, नीचे हो गया सेक एक्स प्लस कोस एक्स, और ये डी एक्स, इसे डाल दीजिए समीकरण दो। अब करना क्या है, इन्हें दोनों को प्लस करना, यानी कि हमारा जो है आंसर मिलेगा। तो समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे, तो एक प्लस दो, जब एक और दो को जोड़ेंगे यहाँ आएगा आई, आर आई होगा टू आई। अब देखिए जीरो टू पाई हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है दोनों में जो एलसीएम आएगा वो आएगा सेक एक्स प्लस कोस एक्स, ये एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बचा, पहले समीकरण एक में देख लीजिए, समीकरण एक में है ये, समीकरण एक में है एक्स टेन एक्स, यानी कि यहाँ से बचा एक्स, और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर टेन एक्स, दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा पाई माइनस के एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स, और यहाँ से टेन एक्स क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से डी एक्स, अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़रा समझेंगे, इसको देख लीजिए अच्छे से। अब मैं इसको यहाँ से पेज को हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए इसको क्वेश्चन को संग से, अब यहाँ पर आई यहाँ ऐसे रहेगा, ये टू जो है इधर आके वन अपॉइंट टू हो जाएगा, जीरो टू पाई, ये बचा पाई, और टेन को लिखेंगे हम साइन अपॉन कोस, और डी एक्स यहाँ पर ऐसे रहेगा, इसको भी साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, सेक होता वन अपॉन कोस। अब एलसीएम लेंगे तो कोस से कोस यहाँ पर एलसीएम कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई एन एक्स, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो जाएगा वन प्लस के कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखिए कोस एक्स को टी मान लेते, अब यहाँ पर जरा विशेष ध्यान देने वाली ये है, अगर हम कोस एक्स को टी मानेंगे तो लोअर अपर लिमिट एक जैसी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें अपर लिमिट को चेंज करना ज़रूरी है। तो पहले मैं टी मानने से पहले इस अपर लिमिट को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता, अगर मैं यहाँ पर टू से डिवाइड करूँ तो यहाँ आपको टू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये कहलाती है प्रॉपर्टी साइन एक्स अपॉन वन प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी टू से टू कहने से पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हो, तो यहाँ से आ गया जीरो टू पाई बाई टू, और ये साइन एक्स पाई को जो है यहाँ पर ले सकते हो वन प्लस के कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए कोस एक्स को टी मान लीजिए, अब इसका आराम से हो जाएगा, मैं इधर कर देता हूँ। अब देखिए क्या करना, कोस एक्स को टी मान लेना, पुट कोस एक्स इजिकल टू टी, तो कोस एक्स का डिफरेंशियल होता है साइन माइनस साइन एक्स, तो डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा डी टी, तो साइन एक्स डी एस की जगह डी टी रख देंगे, माइनस चिन्ह है तो माइनस इधर लिख लेंगे हम। देखिए तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का डी टी, तो यहाँ पर लिमिट भी बदलेगी। अब जब भी टी मानते हैं तो लिमिट चेंज होती है, तो यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, जब यहाँ पर एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो कोस जीरो का मान होता है वन, तो यहाँ पर लिमिट होगी वन। अब एक्स की जगह जब हम यहाँ पर पाई बाई टू रखेंगे तो कोस नब्बे, कोस नब्बे का मान कितना होता है जीरो, और ये साइन एस डी एस की जगह आ जाएगा माइनस का डी टी, और ये हो जाएगा वन प्लस के टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये तो सीधा फॉर्मूला है, आप जानते होंगे किसका फॉर्मूला, बताइए टेन बस टी का फॉर्मूला है, टेन बस टी पर लिमिट लगा दीजिए माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर देखिए टेन बस जीरो की वैल्यू जीरो, टेन बस वन की वैल्यू पाई बाई फोर,
आंसर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया इसका पाई स्क्वायर अपन फोर, ये आ गया इसका आंसर। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक जी दो तरह से क्वेश्चन है, पहले तो ये इसी को सोल्व करके बाद में ये बन जाता, तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इसमें बस प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2011 और 13 में आया, ये आया 2013 और 18 में आया, तो मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान समझना, बिल्कुल ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले काम है हम इसको आई मान लेते हैं, तो लेट आई बराबर मैंने मान लिया इसको, ठीक है, तो आई बराबर मैंने ले लिया इसको 0 to π x dx अपॉन ए स्क्वायर ओ स्क्वायर एक्स। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने शॉर्ट ट्रिक में अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो आप यहीं से देखिए इसको याद भी रख सकते हैं। ये तो था पाई अपॉन टू, ये भी एक तरह से फॉर्मूले क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन को ही हमने जो है शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज किया था, तो इसे डाल दी हमने समीकरण एक। अब इसमें हम देखें वही फेवरेट प्रॉपर्टी लगाते हैं, लोअर और अपर लिमिट को जोड़ के एक्स में से घटाते हैं, तो बस यहाँ पर आप बार बार प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ लिख दीजिए यूजिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर बस इतना लिखने से भी काम चल जाएगा 0 to π। अब देखिए प्रॉपर्टी यहाँ लगा रहे हैं, क्या हुई पाई माइनस एक्स, यानी लोअर और अपर लिमिट को जोड़ना और उसमें से आपको एक्स को माइनस करना, बिल्कुल यहाँ भी ऐसे करना कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ भी ऐसे करना वी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे 0 to π, ये पाई माइनस एक्स यहाँ ऐसे रहेगा, 180 माइनस चिन्ह जो होता माइनस में होता, लेकिन स्क्वायर की वजह से जो है ये प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स, ये आ गई समीकरण दो। अब क्या करना है, इनको दोनों को जोड़ना है। अब देखिए मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, एक प्लस दो जोड़ेंगे, आई आर आई हो गया 2i। अब देखिए यहाँ पर 0 to π/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा 0 to π, और ऊपर हर तो एक जैसा है, इसके जो अंश हैं वो जुड़ जाएंगे एक्स प्लस के पाई माइनस के एक्स, और हर जो है दोनों का एक जैसा है, इसलिए इसको ऐसे ही उतार देंगे, तो ये आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन पूरा यही वाला होने जा रहा है जो आपको दिया, अब यहाँ से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना, यानी इतना स्टेप इसमें और बढ़ गया, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए सही से। तो अब मैं इसे इधर से कर देता हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने रहे। तो यहाँ से अब देखिए इसमें, तो अब यहाँ पर आई यहाँ ऐसे रहेगा 2i, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यहाँ पर ये अपर लिमिट को पाई बाई टू कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें पाई बाई टू है, ठीक है ना, तो मैं इसमें लिमिट पाई बाई टू कर लेता हूँ प्रॉपर्टी लगा के। तो प्रॉपर्टी लगा कैसे होगी, अगर 2 × में करते हैं, ठीक है, तो ऊपर जाके जो हो जाता है ये बटे में हो जाता है, यानी अपर लिमिट में बटे में हो जाता है, ठीक है, यहाँ 2 करो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ डिवाइड करो, तो बस ये रूल है। अब यहाँ पर ये पाई ऐसे रहा, यहाँ पर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ से रूल होता है कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहा हूँ मैं नीचे से, ठीक है, तो ऊपर बनाना होता है sec स्क्वायर और नीचे बनाना होता है tan स्क्वायर, तो ये देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया। अब मैं इसको इधर कर देता हूँ, तो यहाँ से अब देखिए इसको करता हूँ मैं स्टार्ट पूरा शुरू से, यहाँ से लिख ले लेता हूँ, तो यहाँ तो ये हो गया आई अच्छा थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ लीजिए, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया 0 to π/2 कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से कॉमन लूँगा मैं, पाई को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और ये डी एक्स कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे,
तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ले लो, चाहे कॉमन चाहे कॉस स्क्वायर ले लो, दोनों से काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचगा देखिए ए प्लस के बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और जहाँ कॉमन नहीं है वहाँ क्या जाएगा बटे में पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये ऊपर जाकर सेक स्क्वायर हो जाएगा, पाई यहाँ ऐसी रहा जीरो टू पाई बाई टू, और ये ऊपर जाकर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर साइन अपन कॉस हो गया टेन। अब देखिए यहाँ से इसे वी टेन एक्स लिख देता हूँ मैं, जीरो टू पाई अपॉन टू। मेन टारगेट यही होता है कि ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बन जाए और नीचे टेन एक्स। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इसे ले सकते हैं बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका पूरा डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, तो बी टेन एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ बी टेन एक्स को टी। तो बी टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स ये हो जाएगा डी टी अपॉन बी, बी बटे में पहुँच गया टी का डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इधर आ गया। तो अब इसके स्थान पर लिखूंगा डी टी अपॉन बी, लिमिट चेंज हो जाएगी। देखिए लोअर लिमिट जीरो रखेंगे टेन जीरो को मान जीरो, और यहाँ पर पाई बाई टू रखेंगे तो टेन पाई बाई टू हो जाएगा इन्फिनिट। सेक स्क्वायर डी एस की जगह डी टी अपॉन बी, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, बी तो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। अब जो बचा है ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि टी अपॉन ए, लिमिट लगा देंगे इन्फिनिट टू जीरो। देखिए आंसर आने वाला है इसका पाई अपॉन ए बी, अपर लिमिट लगाएंगे टेन इनवर्स इन्फिनिट इन्फिनिट अपॉन ए माइनस टेन इनवर्स जीरो, तो टेन इनवर्स इन्फिनिट की पाई बाई टू, और ये हो गया जीरो। तो देखिए आंसर आने वाला आप ये हो गया टेन इनवर्स पाई बाई टू माइनस जीरो, और आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी। देखिए ये आ गया आंसर, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए ये पहला हो गया और दूसरा वाला पार्ट ये है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस ये वाला बन गया, तो आप अगर ये वाला आता तो यहाँ से स्टार्ट कर देना डायरेक्ट, इतने स्टेप नहीं करने। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन तो इस तरह से आया हुआ है, ये 2012, 2013, 2014, 2016 यानी चार साल लगातार आया हुआ, और उसके बाद देखिए एक बार क्वेश्चन ये ऐसे भी आया हुआ। तो अगर ऐसे आता है तो और भी आसान हो जाएगा, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले काम है इसको मैं आई मान लेता हूँ, तो आई मैंने इसको मान लिया लिमिट जीरो टू पाई, और ये एक्स डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डाल दी मैंने समीकरण एक। ठीक है, अब वही काम करना जो कि अब तक हमने सभी क्वेश्चनों में किया है, यानी कि यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी लगानी, वही फेमस प्रॉपर्टी, यानी लोअर और अपर लिमिट को जोड़ना है और उसमें से एक्स को घटाना है। तो यही प्रॉपर्टी मोस्टली यूज होती है। तो क्या करना हमें, पाई प्लस जीरो में से एक्स घटाना, यानी लोअर और अपर लिमिट को जोड़ा और उसमें से एक्स को माइनस कर दिया। यही काम हम नीचे भी करेंगे, तो जीरो में पाई में जीरो जोड़ेंगे पाई रहेगा, तो यहाँ पर हो गया एक्स। अब इसको देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं जी, जब भी लिमिट पाई हो तो पहले इसको पाई बाई टू हम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि टी मानते हैं, तो होता क्या है टी मानते हैं तो लोअर और अपर लिमिट एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक जैसी हो जाती है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए अपर लिमिट को चेंज कर लेना चाहिए प्रॉपर्टी लगा के। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स सी माइनस थीटा माइनस के होता है, लेकिन इसको आगे वजह से प्लस हो गया। अब क्या करना हमें, इसे जोड़ देना एक प्लस दो, तो दोनों जोड़ेंगे आई आर आई हो जाएगा टू आई जीरो टू पाई,
और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, एक्स प्लस के पाई माइनस एक्स, क्योंकि हर एक जैसा है तो आंसर इसका जोड़ दीजिए और ये तो पट्टे में आ गया वन प्लस के। देखिए अब जो क्वेश्चन मैंने सेकंड लिखा देखिए वो आने वाला है एक्स से एक्स कैंसिल, देखिए ये आ चुका है। अब आगे से ऐसे क्वेश्चन ये आना पूरा बन जाएगा, अगर ये आता है तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। तो अब देखिए इसको क्या आ गया, यहाँ पर ये हो गया टू आई और यहाँ पर कितना 0 to π, पाई कांस्टेंट है मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखिए यहाँ मैं प्रॉपर्टी भी लगा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या करा मैंने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई पहले से ही लिखा था तो पाई अपॉन 2 से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड करो तो यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ बच हो गया डी एक्स और नीचे 1 cos²x। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे i बराबर चलेगा। अब ये यहाँ बचा पाई और ये 0 to π/2। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए cos का कॉमन लेना, हमें नीचे बनाना है tan और ऊपर बनाना है sec²। तो यहाँ पर कॉमन नहीं है लेकिन ये रूल है, जब भी cos² आता है नीचे तो cos²x को कॉमन ले लीजिए। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ कॉमन नहीं है तो बटे में पहुँच जाएगा। टारगेट क्या, ऊपर sec² बनाना और नीचे tan² बनाना। तो देखिए वही काम मैं कर रहा हूँ, 0 to π/2, यहाँ पर 1 upon cos² हो जाएगा sec². आप जरा ध्यान देना, यहाँ पर 1 upon cos² sec² और sec² होता है 1 plus tan²x, तो चल जाएगा इतना। क्या तो मैंने क्या लिख दिया इसको, tan²x। दोबारा फिर समझिए, 1 upon cos² sec² और sec² होता है 1 plus tan²x। तो यहाँ पर आई चल रहा है 0 to π/2। अब देखिए यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसको ये ले सकते हैं, इसको 1/2 हो गया, ऐसा लिखेंगे √2² और इसको tan²² tan² पूरा डिफरेंशियल यहाँ पे रखा हुआ है। चाहूँ तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब पूरा पूरा डिफरेंशियल रखा हो तो इस डिफरेंशियल को भूल जाइए और डायरेक्ट एक्स मान के कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा करा रहा हूँ। tan²= t मानेंगे, tan² का डिफरेंशियल sec²x और टी का हो जाएगा dt/dx, dx हो जाएगा इधर, लिमिट चेंज होगी। देखिए अब यहाँ पे लोअर लिमिट एक्स की जगह जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 π/2 रखेंगे तो इनफाइनाइट, sec²dx की जगह आ जाएगा dt/√2² + t², और इसका सीधा इंटीग्रेशन होता है तो बताएंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका होता है 1/a tan·x/a, तो 1/a a के स्थान पर ये tan·x/a यानी x की जगह t और a की जगह √2। अब यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगाएंगे आंसर हमारा आ जाएगा। तो अपर लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट हो जाएगा, tan·x इनफाइनाइट माइनस tan·0। अब देखिए tan·x इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है ये हो गया π/√2, tan·y इन्फिनाइट की वैल्यू 1/2 और π/2 और ये 0। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा, मैं यहीं लिख देता हूँ, पाई की पाई से करेंगे π² और ये 2 है √2, तो यही हमें आंसर हमें लाना था। देखिए यहाँ देख लीजिए ये आंसर हमारा आ चुका है, ये वाला π² / √2। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से, ये आ गया। ठीक है, तो अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ये 2012-14 और CBSE बोर्ड में 13 और 17 में भी आया हुआ है, तो चलिए इसको करते हैं। करने का तरीका वही है जो अब तक हम करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले हम इसको i मान लेते हैं, लेट i = तो हमने क्या करा, इसको i मान लिया, i = 0 to π और एक्स sin·x/1 + k cos²x dx, ये डाल दिया हमने समीकरण 1।
ठीक है। तो अब हम देखिए करते हैं स्टार्ट। अब फिर यही यूजिंग प्रॉपर्टी फेमस वाली जो कि अब तक सभी क्वेश्चन में यूज हो रही है, तो आप देख रहे होंगे लगभग इन सब क्वेश्चनों में लगभग एक जैसी कहानी हो रही है कि सब में वही फेमस प्रॉपर्टी यानी कि लोअर अपर लिमिट को जोड़ो और उस एक्स को उसमें से माइनस कर दो, नीचे जीरो है इसलिए पाई रह गया, लगभग यही सभी में यूज हो रहा है। तो इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके जो है 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं बोर्ड में वो मैंने लगभग इसमें दिए हैं, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। तो पाई माइनस एक्स समझते रहिए सही से, साइन एक्स से माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, तो मैंने माइनस चिन्ह यहाँ लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स सी माइनस थीटा होता है माइनस का, तो माइनस का हाँ साइन एक्स सी माइनस थीटा प्लस के होता है साइन थीटा, ठीक है, और कोस एक्स माइनस थीटा माइनस के होता है लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 1 प्लस 2, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते, तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, आई आर आई हो गया 2i, आसन मारी। अब यहाँ पर 0 2 पाई, यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर x प्लस के पाई माइनस x, साइन x कॉमन आ जाएगा, बटे में क्या आएगा ज़रा बताइए, बटे में एक जैसा है तो यही आएगा cos स्क्वायर x, और ये dx यहाँ देखिए x x कैंसिल हो गया, पाई में बाहर लिख लेता हूँ। आप देखिए यहाँ भी मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा जैसा कि पहले कई क्वेश्चन में लगा चुका हूँ, यहाँ पाई को पाई बाई टू करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि इसको पाई को पाई बाई टू बार बार क्यों करा जा रहा है, वो इसलिए करा जा रहा है क्योंकि टी मानने के बाद फंक्शन अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, यानी कि लोअर और अपर लिमिट एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं टी मानूंगा तो देखिए जीरो रखेंगे तो जीरो और साइन एक्स से का मान भी जीरो, तो इसलिए अपर लिमिट को चेंज करना जरूरी है। तो कैसे चेंज होगा अगर ध्यान देंगे, अगर यहाँ बटे में टू लिखो तो यहाँ इंटू में टू लिख दो, बस ये हो जाती है चेंज। तो यहाँ पर आई आ गया, 2 से 2 कट जाएगा ये पाई 0 2 पाई बाई टू, और ये हो गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखिए इसको हम टी मान के कर देंगे, तो क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस के साइन एक्स और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी, तो लिमिट बदलेगी। अब देखिए तो लिमिट मैंने चेंज की, लोअर लिमिट क्या होगी, जब 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान होता है 1, और जब पाई बाई 2 रखेंगे तो कोस 90 का मान होता है 0, और साइन एस डी एस की जगह जाएगा डी टी। अब ये माइनस का है तो माइनस चिन्ह यहाँ जाएगा, देखिए माइनस का डी टी आएगा, बात समझ मारी। और यहाँ पर 1 प्लस के कोस एक्स की जगह टी टी स्क्वायर, तो चाहो तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लोअर को अपर अपर को लोअर कर दो तो ये माइनस चिन्ह जो है प्लस में हो जाएगा, अगर मन कर रहा है तो लगा सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैं लगा देता हूँ, माइनस यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे ये जो है इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन ज़रा बताइए, ये इंटीग्रेशन है टेन इनवर्स टी का, तो अपर लिमिट लगा दीजिए लोअर लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट है टेन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स 0, देखिए आंसर आपका आने वाला टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, 0 की वैल्यू, तो आंसर आ गया आपका पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया राइट हैंड साइड। तो पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए एक ही उसमें पूरा आ रहा है, ये देखिए। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको हमारा मैटर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, साथ में आपके जो फ्रेंड हैं उनको शेयर भी कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ, सबको करने का तरीका एक ही है। पहला क्वेश्चन ये अंडर रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी है, ठीक है, अगर हम इसको कोट टेन एक्स को अंडर रूट साइन एक्स अपन कोस एक्स रख लें तो ये यही रूप चेंज हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर कोट एक्स के स्थान पर हम लिख दें
अंडर रूट कॉस अपॉन साइन और एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो फिर यही चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मतलब इसी टाइप का ही क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए कोट एक्स की जगह हम कह लें अंडर रूट कोट एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें तो सब ये एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले ये काम करना है, अगर टेन है तो साइन अपॉन कॉस कर लेना और कॉस है तो साइन अपॉन कर लो, टेन है तो साइन अपॉन कोस और कोट है तो कोस अपॉन साइन में चेंज कर लेना और उसके बाद जो फेमस प्रॉपर्टी है वो आपको लगा देनी है और आंसर आ जाएगा। देखिए सभी का आंसर एक ही है और यहाँ पर आप देखिए जो मैंने शुरू में शॉर्ट ट्रिक बताई है ये उससे रिलेटिव है। ये वाला फंक्शन देखिए यहाँ रखा हुआ और साथ में लोअर अपर लिमिट जोड़ के अगर एक्स को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर बहुविकल्प में आता तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तो चलिए अब देख कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन करा जाए, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कोई सा भी कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला क्या करना हमें, पहले साइन कोस में चेंज करना है। तो लेट आई इज इक्वल टू मैंने मान लिया 0 to π/2, ठीक है। और कोटेक्स कोटेक्स को क्या बताया था मैंने, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स में चेंज करना है। सबसे पहला काम यही करना, अगर चेंज हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, चेंज होकर नहीं आता तो आपको ये काम करना है। ये वाला आएगा तो इसमें भी यही काम करना है और इसके अंदर भी ये वाला काम करना है। तो अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स, आप देखिए इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद ये फिर क्वेश्चन वही बन जाएगा जो स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है। ये वाला देखिए तो एलसीएम ले लेते हैं अब इसका 0 to π/2 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा और ये आ जाएगा कोस एक्स, ये चीज़ यहाँ जाएगी अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कोस एक्स। देखिए ये पूरा ऐसे ही कन्वर्ट हो गया, देखिए हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपको यही काम करना, अगर ये लाता है तो अंडर रूट साइन एक्स अपन कोस एक्स कर लेना, ठीक है। एलसीएम लोगे फिर यही बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ऐसे ही करना है, ठीक। तो अब आगे का यहाँ से आगे को आपको समझना ही करना है क्या, तो यहाँ से आगे को वही काम करना जो अब तक करते हुए आए हो, यानी यूजिंग फेमस प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पर लिखेंगे केवल यूजिंग प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी लिख दो तो और अच्छी बात है। तो प्रॉपर्टी क्या ज़रा बताइए, तो याद हो गई होगी कि खूब यूज हो चुकी है। 0 to π/2 क्या करना, इन दोनों को जोड़ के एक्स को माइनस करना, यानी कि कॉस 0 में π/2 जोड़ोगे तो π/2 रहेगा माइनस का एक्स। हर क्वेश्चन में देखिए यूज हो रही है तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे यहाँ भी लगानी है, यहाँ भी लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ से और ये dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, ये आ जाएगा यहाँ पे जीरो टू फाइव बाई टू कोस 90 माइनस थीटा होता साइन थीटा, कितना हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और ये dx, ये डाल दीजिए समीकरण दो। अब आपको क्या करना, इस वाली समीकरण को इसे और इसे दोनों को छोड़ देना, ज़्यादातर मोस्टली यही काम हो रहा सभी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर आई और आई जोड़ के हो जाएंगे 2i, समझ आ रही है बात। अब देखिए हर एक जैसा हो चुका है, तो हर एक जैसा हो चुका है तो क्या करना, जैसे अब तक के क्वेश्चन में क्या हमने, यहाँ देखिए हर एक जैसा है तो एक जैसा होने के लिए इसको हर को उतार लेता हूँ मैं, मैंने हर को क्या करा उतार लिया। अब अंश को जोड़ देते हैं, यहाँ पर ये है यहाँ पर ये है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। कोई सा लिख दीजिए प्लस में पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ जुड़ गया। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर अंश हर क्या है दोनों एक जैसे हैं, तो ये पूरे का पूरा कट जाएगा। कितना बचा है यहाँ पर 2i 0 to π/2 वन बचा, वन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है,
उनका इंटीग्रेशन हो गया एक्स, अपर लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई टू माइनस जीरो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई टू इधर पहुंच जाएगा तो आई बराबर आ गया पाई अपॉन फोर, ये आंसर आपका आ गया, टू इधर पहुंच जाएगा बटे में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ, चार नंबर में आया हुआ, दो नंबर में आया हुआ, आठ नंबर तक में आया हुआ। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आया हुआ है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है, दूसरा इस टाइप से, तीसरा इस टाइप से और चौथा इस टाइप से। इन सभी में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो टू है तो यहाँ पर इसका आधा है। देखिए यहाँ पर अगर फोर है तो यहाँ इसका आधा हो गया, यहाँ पर देखिए सिक्स है तो यहाँ इसका आधा है, ठीक है। और जो पावर है वही इसके प्रूफ करने में आई हुई है। देखिए जो पावर है वही इसके यहाँ पर बटे में आई है। यहाँ पर देखिए पाई अपॉन फोर, पाई अपॉन सिक्स और पाई अपॉन टू। तो इससे हम ध्यान रख सकते हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसे हम जब देखिए करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए, इसको अच्छे समझ लेना है। तो आप एक क्वेश्चन कर लेंगे तो सभी इसको कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको करा रहा हूँ ये वाला, देखिए ये पूरा के पूरा इसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहे ये वाला कर लें, कोई सा क्वेश्चन कर लें, ये इसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला काम है हम इसको आई मान लेते हैं। तो लेट, हमने क्या मान लिया इसको आई, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आई हमने मान लिया इसको जीरो टू पाई बाई फोर लॉग साइन टू थीटा डी थीटा, और इसे डाल दिया हमने समीकरण एक, ठीक है। अब इसमें वही, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप जो करना है बस इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो टू थीटा को हम मान लेते हैं यहाँ पर टी, तो डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन टू, ये टू बटे में पहुँच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट चेंज होगी, लोअर लिमिट हो जाएगी जीरो, अपर लिमिट हो जाएगी पाई बाई टू। लिमिट कैसे बदलती है, जीरो यहाँ रख दीजिए तो लोअर लिमिट ले जाएगी, यहाँ रख देंगे ये तो अपर लिमिट निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लोग साइन टू थीटा की जगह क्या रख दिया हमने, टी रख दिया, और डी थीटा की जगह डी टी अपॉन टू। अब देखिए यहाँ पर टू आ गया इसलिए यहाँ पर आंसर कितना हो गया, फोर हो गया। यहाँ पर देखिए पाई बाई टू आ रहा है, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा, फोर आ रहा। तो इसी वजह से इसका जो आंसर है यहाँ पर फोर हो गया। बस ये वन अपॉइंट टू एंड तक ये साथ में चलेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन जो है ये एज इट इज हो गया है। अब देखिए मैं इसको पूरे का पूरा ऐसे कराऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पूरा फर्स्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से डालते हैं समीकरण एक, चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसा बन चुका है, वन अपॉइंट टू आया रखा इसलिए आंसर में क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस के वन अपॉइंट फोर हो गया, ठीक है। यहाँ पर वन अपॉइंट टू था, यहाँ पर कितना हो गया वन अपॉइंट फोर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वही काम जो कि अब तक हमने किया था। तो यूजिंग फेमस प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वही प्रॉपर्टी यूज करनी जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं। तो क्या करना है इसमें बताइए, यस लोअर और अपर लिमिट को जोड़ना है और उसमें से एंगल को माइनस करना है, ये यानी कि टी को माइनस करना। तो ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो पाई अपॉन टू माइनस के टी और डी टी, ठीक है। और साइन नाइन्टी माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू जीरो टू पाई अपॉन टू लोग साइन नाइन्टी माइनस थीटा हो गया कॉस टी डी टी, ये आ गई समीकरण दो। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे एक प्लस दो, तो जोड़ेंगे आई इधर है और आई इधर है, तो दो हो गए आई और आई हो गए टू आई, हाफ दोनों में कॉमन आ जाएगा और जीरो टू पाई बाई टू कॉमन आ जाएगा दोनों में, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा देखिए लॉग साइन टी प्लस लॉग, यहाँ पर आएगा लॉग कॉस टी, बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर हो गया डी टी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इन दोनों को यहाँ से इतना कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर एम गुणा एन का फॉर्मूला हो जाएगा ही जीरो टू पाई बाई टू, ये हो गया एम गुणा एन का फॉर्मूला लॉग साइन टी इंटू कॉस टी और ये
ठीक। देखिए m गुणा n का फॉर्मूला हो गया, m गुणा n लोग m प्लस लोग n। आप लिखिए इस स्टेप में क्या करेंगे, हम दो से गुणा और दो से भाग करेंगे। तो आप देखिए इसको मैं दो से गुणा और दो से भाग कर देता हूँ, जीरो टू फाइव बाई टू। अब देखिए यहाँ से क्या करा मैंने, दो से गुणा कर दी यहाँ पे और दो से ही भाग कर दी। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला बन चुका है, दो से गुणा की मैंने, दो से भाग की, अब ये फॉर्मूला बन गया है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला बना देता हूँ मैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये इधर टू आई, ठीक है, टू आई चल रहा, और इधर हो गया साइन टू टी टी, टू टी का फॉर्मूला हो गया जीरो टू पाई अपॉन टू, और हाफ बाहर चल रहा है, और ये हो गया फॉर्मूला लॉग साइन टू टी अपॉन टू। वैसे तो हम यहाँ से इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूँगा, लोग एम बटे एन का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं इसमें, जीरो टू पाई अपॉन टू लॉग एम बटे एन, यानी लॉग साइन टू टी माइनस लॉग टू, एम बटे एन का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, देख लीजिए आप ये करना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से, वैसे तो अब यहाँ से चाहो तो हम यहाँ, अगर यही स्पेशली क्वेश्चन आता है तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से देखिए टू थीटा की जगह टी कर दीजिए और यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, बस लिमिट को सही करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले इसमें कन्वर्ट किया तो मैं यहीं से करा रहा हूँ, क्योंकि बाकी आपको सारे क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करने हैं इतना करने के बाद। ठीक है, तो ये आ गया डी टी, लॉग टू कॉन्स्टेंट है, और यहाँ बचेगा जीरो टू पाई बाई टू, और ये डी टी कॉन्स्टेंट टू बाहर रखा, यहाँ पर वन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इधर टू आई चल रहा वन अपॉन टू, और ये हो गया जीरो टू पाई अपॉन टू। अब देखिए यहाँ पे मैं लिमिट को थोड़ा सही करेंगे, अब हम यहाँ पे चलो ये लाइन में उतार लेता हूँ अभी ऐसी, लॉग साइन टू टी डी टी, और ये लिमिट लगाएंगे, वन का इंटीग्रेशन हो गया टी, लिमिट लगा देते हैं जीरो टू पाई बाई टू। अब यहाँ पर देखिए टू टी को मैं कुछ मान लेता हूँ, अभी तक हमने थीटा नहीं माना, थीटा मान लेते, तो डी थीटा इजिकल टू हो जाएगा डी टी इजिकल टू हो जाएगा डी थीटा अपॉन टू। तो अब यहाँ पर देखिए लिमिट बदलेगी, ये हो जाएगा टू आई वन अपॉइंट टू, यहाँ से ही रहेगा लोअर लिमिट जीरो, पाई बाई टू रखोगे तो ये हो जाएगी पाई। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग साइन टू थीटा की जगह जाएगा टू टी की जगह टी थीटा, और डी थीटा की जगह डी थीटा अपॉन टू, और यहाँ लिमिट लगा दी हमने, लिमिट हो जाएगी पाई बाई टू माइनस के जीरो। अब देखिए यहाँ पर ये, अब यहाँ पर लिमिट सही करनी पड़ेगी हमें, यहाँ पर लिमिट सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, चलो अगले स्टेप में कर देते हैं। देखिए क्योंकि लिमिट क्या है यहाँ पर, पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे टू से डिवाइड किया, तो यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट बिल्कुल पूरे एज इट इज होनी चाहिए। अब यहाँ पर हो जाएगा ये पाई बाई टू, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, और लॉग टू कॉन्स्टेंट है, इसको बाद में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए पूरा सेम टू सेम ये बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कमी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर थीटा है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि हम थीटा को टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर थीटा की जगह टी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दो से दो कट जाएगा, ये वाला टू जो यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी में लगा दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी क्या होती है कि फंक्शन अगर थीटा में है तो उसको हम टी में ले सकते हैं। तो देखो मैं साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया टी, ठीक है, और यहाँ भी टी, प्रॉपर्टी होती है अगर फंक्शन थीटा में है तो उसे हम टी में ले सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत हो उसमें ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए
अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू है इसकी पूरी देखिए जरा यहाँ से। फ्रॉम फर्स्ट समीकरण एक से इसकी वैल्यू कितनी है आई, फ्रॉम फर्स्ट, तो इसके स्थान पे क्या रख दिया आई रख दिया, ठीक है। और यहाँ चल रहा है पाई अपॉन टू, तो यहाँ आ गया टू ही कट ही गया था तो पाई अपॉन टू ये आ गया। और यहाँ इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, ये रख दिया पाई। यहाँ से देखिए समीकरण एक से इसकी पूरी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर रख दी। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, जो वन अपॉइंट टू था ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे वन अपॉइंट टू यहाँ भी आएगा, क्योंकि जब ये वन अपॉइंट टू अंदर एंट्री करेगा तो ये इसके साथ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। देखिए वन अपॉइंट टू मैंने यहाँ लिख छोड़ दिया, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन फोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई अपॉन फोर, ठीक है। तो ये हो गया पाई अपॉन फोर लॉग टू, टू आई में से आई माइनस कर दीजिए, कितना हो गया आई इज इक्वल टू माइनस के पाई अपॉन फोर। देखिए ये आंसर आ चुका, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं समझता ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए कई तरीके से ये आया हुआ है, तो सभी कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको बस करना क्या, स्टार्टिंग में बस इतना करना, जैसे यहाँ टू थीटा को टी माना है, इसमें क्या करना है थ्री थीटा को टी मान लेना, फिर ये पूरा ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे केवल क्या हमें ये वाला ला के छोड़ना है, इतनी इसको यहाँ पर ला के छोड़ देना बस इतना, यहाँ पर ये यहाँ बस इतना करके छोड़ देना, यहाँ तक यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से यहाँ से स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को और यहाँ ला के छोड़ देना बस, ये आंसर इसका दे दे, ठीक है। तो अब देखिए करते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार आया हुआ ये, एक इस बार इतना सा आया हुआ ये 2009, 11, 14, 16 में, ठीक है। और यही क्वेश्चन एक बार इस तरह से आया हुआ, तो पहले थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे फिर ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई बाई फोर है तो यहाँ पर एट आ रहा है, जहाँ एट है तो यहाँ 16 आ रहा है, ठीक है। तो तरीका एक ही करने का, बस यहाँ पर 2x को t मान लेंगे तो ये पूरा ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, 2x को क्या मानना t, तो ये पहले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इससे ये वाला कैसे आएगा, तो मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इसको सही से समझ लीजिए। तो सबसे पहला काम वही है, लेट आई मान लिया हमने इसको 0 to 1 log 1 + x अपौन 1 + x² dx, ठीक है। अब करना क्या, काम वही करना है जो कि पहले हमने किया था, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू हमने मान लिया tan थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ tan थीटा के रूप में लाना, तो इसलिए tan थीटा मान लिया इसको, तो इसका dx इज इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा sec² थीटा, थीटा का d थीटा अपॉन dx, तो dx इधर आ गया, तो इसके स्थान पर रख देंगे, ये लिमिट भी बदलेगी देखिए, तो लोअर लिमिट इसकी हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी जब 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1 होती है 10 में वैल्यू पाई बाई 4 की, तो 1 रखेंगे कितनी हो जाएगी पाई बाई 4। और यहाँ पर यहाँ x के स्थान पर देखिए 0 रखा 0 और 1 रखेंगे तो 1 किसकी वैल्यू है 10 पाई बाई 4 की, तो अपर लिमिट हो गई पाई बाई 4 लॉग 1 + tan थीटा अपॉन 1 + x की जगह tan थीटा रख दीजिए, 10² थीटा, और ds की जगह क्या रखना sec² थीटा, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 0 to, अब देखिए पूरा क्वेश्चन ये पूरा कन्वर्ट हो चुका है, देखिए पूरा ये आ चुका है, 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। चलो एक लाइन और मैं और बढ़ा देता हूँ, तो 1 + tan² थीटा क्या होता sec² थीटा, यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप देखिए अब ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट होगा, तो यहाँ तक आपको एक्स्ट्रा काम किया है, अब इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन ये बन गया, देखिए यहाँ से आप देख लीजिए इसको अच्छे से, ये पूरा क्वेश्चन देखिए ऐसे ही बन चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको मैं डाल देता हूँ समीकरण एक, अब वही काम करना जो अब तक हम करते हुए आए हैं, तो क्या करना प्रॉपर्टी लगानी, तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं अब हम, तो चलिए एक पूरा क्वेश्चन दिखता रहे आपको, मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है।
जिससे आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखता रहे। तो यहाँ करेंगे तो यूजिंग प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या आएगा, आई यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 0 to π/4, ठीक है, और ये हो जाएगा log 1 plus tan π/4 -θ, ठीक है। अब यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको ही कर देते हैं 0 to π/4, tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 plus tan a tan b। अब इसके बाद क्या करना, अब जरा ध्यान देंगे, तो इसके बाद आपको करना ये है कि tan पाई बाई फोर की जगह 1 रख देना, तो यहाँ से 1 plus tan π/4 की जगह 1 रख दिया तो ये हो गया 1 minus tan θ अपॉन 1 plus tan θ, ठीक है। अब इसमें फिर वही एलसीएम लेंगे, पहले इसका 0 to π/4, तो एलसीएम लेते हैं, देखिए हम क्या लेंगे एलसीएम, 1 plus tan θ, और ये हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 मान लिया, 1 minus tan θ अपॉन में क्या आएगा 1 plus tan θ। यहाँ चल रहा है dθ, देखिए tan θ से tan θ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 अपॉन 1 plus tan θ। तो I = आ गया 0 to π/4 log 2 upon 1 plus tan θ। अब इसमें फिर हमें जो है वही m बटे n का फॉर्मूला लगाना, तो m बटे n का फॉर्मूला लगाएंगे, m का काम कर रहा है या n का काम कर रहा, 0 to π/4 और देखिए log m माइनस log n, n की जगह क्या 1 plus tan θ, बस मारी, देखिए अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं, आई यहाँ पर ऐसी रहेगा 0 to π/4, इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ मैं माइनस 0 to π/4 और ये log 1 plus tan θ। अब यहाँ पर चाहे तो आप वो कर दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों, ये आ गई हमारी समीकरण 2, ठीक है, चाहे तो इसे और इसे जोड़ दो दोनों समीकरणों को, ठीक, तो या फिर ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, कोई एक काम कर, तो मैं ये वाली वैल्यू उठा के पूरी यहाँ पर रख रहा हूँ, देखिए समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, तो यहाँ देखिए log 2 कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log 2 तो मैंने लिख लिया बाहर, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, लिमिट है ऊपर पाई बाई 4 और 0, और इसकी जगह क्या आ गया आई, बात समझ मारी, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो गया 2i, देखिए आंसर अब आने वाला हमारा log 2, लिमिट लगाएंगे π/4 -0, ठीक है, तो i कितना आ गया, I = आ गया पाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो π/8, और शायद यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, ये क्वेश्चन था ये वाला, आ गया π/8 log 2, ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप एक बार ये पूरा देख लीजिए सही से, मैंने पूरा यहाँ पर एक ही पेज पे करने के प्रयास किया है, जिससे आपको कोई दिक्कत
ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अब ये इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आया हुआ है तो अच्छे से इसको समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले वही काम करना, लेट आई इसको मान लिए 0 to इन्फिनिटी, लॉग एक्स प्लस 1/x dx अपॉन 1 + के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से देखिए डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा का डिफरेंस कितना होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, ये जाएगा डी थीटा। ठीक है, तो अब इसको लिमिट चेंज होगी, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 और जब इन्फिनाइट रखेंगे तो पाई बाई 2। अब यहाँ पे लॉग ऐसी रहेगा, एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने टेन थीटा, और ये हो जाएगा 1/10 थीटा, और डी एक्स की जगह आएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 + के टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह क्या है सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। आप देखिए 1 + tan² थीटा से ये सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्योंकि 1 + tan² थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ, लॉग इसे आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे इसको चेंज कर लीजिए तो क्या आएगा, इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम एलसीएम है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ये हो जाएगा 1/ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब एम बटे एन का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, एम बटे एन का फॉर्मूला, चलिए मैं और ऊपर चले जाता हूँ थोड़ा। जीरो टू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा लॉग 1 - लॉग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, लॉग 1 की वैल्यू जो होती है 0 होती है, तो इतना तो 0 हो जाएगा, पहला वाला कितना हो जाएगा 0। अब ये बचा 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा और ये कोस थीटा। अब इसमें एम गुणा एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एम गुणा एन का फॉर्मूला क्या होता है लगा दीजिए, माइनस ऐसी रहेगा 0 to पाई बाई 2 ऐसी रहेगा, और यहाँ पे एम गुणा एन का फॉर्मूला लॉग साइन थीटा प्लस लॉग कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए आंसर आपका आने वाला है। अब इसमें अंदर एंट्री कर देते हैं इसकी, इधर आई चल रहा है माइनस के 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा डी थीटा, माइनस ये माइनस हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 लॉग और ये कॉस थीटा डिस थीटा। अब देखिए पहले मैं एक क्वेश्चन आपको कराया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू मैंने वहाँ पर निकलवाई थी, तो आप यहाँ पर सोच की तरह इसको यूज कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो इसको हम अलग से निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू थी पाई बाई 2 लॉग 2, कितनी थी वैल्यू इसकी पाई बाई 2 लॉग 2 माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2, तो ये हो जाएगा प्लस
और ये लॉग टू, ऐसे यहाँ भी इसकी भी वैल्यू माइनस पाई बाई टू लॉग टू, तो पाई अपॉन टू, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू दोनों की एक ही जैसी होती है, तो जुड़ गया आंसर कितना होगा, पाई बाई टू, पाई बाई टू जुड़ गया मेरा आ गया आंसर पाई लॉग टू, तो ये आ गया आपका आंसर। तो हमें यही लाना था, देखिए पाई लॉग टू, ये आंसर से देख लीजिए पाई लॉग टू हमें लाना था। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका हो गया है, मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में आपके जो फ्रेंड हैं उनको व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर भी कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए एसपी मैथ्स चैनल पे बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।